डियर है तू? डियर है तू? डियर एंड यस वी आर एट खरदुंगला साथ ले ले खाली तुम्हें सुन थोड़ा चक्कर जो माथू पारे थे गोश हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इट्स योर ट्रैवलर डीसी फ्रॉम ले आज हम लोग ले से निकल रहे हैं खरदुंगला खरदुंगला से हम लोग होके जाएंगे नुब्रा वैली से वारसी से हम लोग नुब्रा वैली में रुकेंगे एंड कल के दिन हम लोग जाएंगे डिस्किट हुंडर एंड तुरतुक इतनी सारी जगह घूमने वाले हैं आज सो अभी निकल ही रहे सामान पैक कर ही रहे 5:30 हो रहे सामान पैक करके 6:15 तक निकल जाएंगे एंड खरदुंगला जाएंगे वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट मोटरेबल रोड हम लोग वो क्रॉस करने वाले हैं आज प्रे करता हूँ अच्छे से हो जाए सब कुछ अच्छे से हो जाए एंड देखते रहो लोग बहुत ही मज़ा आने वाला है खरदुंगला के लिए हिमांशु बस आ ही रहा है हेलमेट पहन रहा है वो आए वैसे ही हम लोग निकलते हैं खरदुंगला के लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ थोड़ा सा टेंशन है बट कोई नहीं हिमांशु है साथ तो कर लेंगे बारिश हुई अभी थोड़ी और बारिश जैसा लग भी रहा है बट कोई नहीं हवा भी है तो क्लियर हो ही जाएगा सो कोई नहीं रास्ते में मिलते हैं चलो यस अभी थोड़ी थोड़ी एंजाइटी हो रही है थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है बट कोई नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है जब मुझे एंजाइटी होती है तो वो बहुत ही होती है सो यस गाइस वी आर राइडिंग बाइक ऑन द हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो अब नहीं रहा सेकेंड हाईएस्ट हो गया है बिकॉज उमलिंगला इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड हाईएस्ट रोड थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो गई है इधर बट कोई नहीं वी विल मैनेज इट ऐसा बोल के खुद को भी तसल्ली दे देनी चाहिए अच्छा फील आता है बहुत ही पतले रोड से इधर कंपैरेटिवली जो हम लोग आए इतने रास्तों पे नहीं उमलिंगला तो उमलिंगला के भी इतने ही हैं कोई नहीं करना ही है करके बोल के आए हैं तो करेंगे वो गारंटी है बर्फ़ के बीच में से जा रहे हैं बर्फ़ गिर रहा है अभी ठंड लग रही है हाथ जाम हो गए आई डोंट नो आपको बर्फ़ गिर रहा है कि नहीं बट हमको दिख रहा है बर्फ़ हाँ द अनरियल एक्सपीरियंस द अनरियल थिंग्स थैंक यू मॉम एंड डैड रियली व्हाट एन अनरियल एक्सपीरियंस यस आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ बट फर्स्ट टाइम देखा है एंड वो भी बाइक पे अकेले सो वो अलग ही चीज़ अलग ही एक्सपीरियंस होता है यस गाइस सो यस वी आर गोइंग टू द पीक एंड सामने देख लो बर्फ मैन सच में अनरियल एक्सपीरियंस है ठंडी चलग रही है बहुत ही ख़राब मतलब दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस मैन बहुत ही ख़राब ठंडी हाथ जाम होने वाला हो रहे हैं धीरे धीरे अभी तो खाली साउथ पुल्लू आया है खरदुंग इधर से 18 किलो नहीं शायद से 15 किलोमीटर जी यस वी आर हियर एट साउथ पुलू गाइस इस 9:42 7:53 को मुझे मौसम बहुत ही ख़राब था ऊपर तो हम लोग को बोल दिया था कि रुको इधर ऊपर मत जाओ पर अभी टाइम हो गया कि तो जाना ही पड़ेगा तो जा रहे हैं मौसम थोड़ा और भी थोड़ा तो ख़राब है ही लेट्स सी अगर कुछ हुआगा तो रुक जाएंगे वैसे भी बहुत सारे राइडर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को एंड अभी हम लोग ने मस्त कॉफ़ी एंड मैगी खाई बट जब हम लोग आए थे जो मैन जो ठंडी थी -1 अभी तो फिर भी ठीक है विंडशील बंद करता हूँ तो फॉग जम जाता है विंडशील ओपन करता हूँ तो ठंड लगती है इट्स पता नहीं क्या करें अब बट सीधे रोड में अभी इधर से हमको पीछे वाले पहाड़ पे जाना है एंड
मेरे कल गाइस सच में मेरी एंजाइटी हो रही थी। मैंने एक बार सोच लिया कि नहीं यार खरीदूंगा नहीं करना, उमरिंगला भी नहीं करना, इधर से वापस चले जाते हैं। देन माई डैड हिमांशु ये सब ने मोटिवेट किया कि नहीं यार ऐसा नहीं हो जाएगा, तेरी एंजाइटी है। एंड सच बात थी उनकी, मेरी एंजाइटी ही थी। इट्स ऑल ओके, ऑल गुड, प्रेयर करता रहता हूँ मैं। आई नो मैं थोड़ा धार्मिक वाला इंसान हूँ, सो प्रेयर वेयर करता रहता हूँ मैं। ठंडी तो लग रही है अभी हाथों में, बट कोई नहीं, अभी खा लिया है तो बॉडी इज लाइक नॉर्मल टेम्परेचर, हाथ सूजन हो गए हैं। मेरी दोस्त है उसने भी मुझे बोला था, शीज पहाड़ी, तो मुझे बोला था कि हाथ के रेडनेस आ जाएगी और स्वेलिंग करने लगेंगे, क्योंकि अभी हम नए हो इधर। एंड सच में ये क्लाइमेट में नया हूँ मैं, इतना ऊपर कभी नहीं गया हूँ। कोई नहीं, मेरी बकबक तो चालू रहेगी, आप रास्ते देखते रहो। सामने दिख रहा है वो पहाड़ चढ़ना है हम लोगों को, और आप उधर से ठंडी का अंदाज़ा लगाओ कि क्या होगा। एंड एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि ये लोग ने डबल लेन रोड कर दिया है। सो क्या बोलते हैं कि नीचे खाई दिखती नहीं है, एंड इट्स गुड। रोड थोड़े शार्प टर्न्स है, बट इट्स ओके, चलता ही है। अगर लद्दाख में आना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। एंड हवा जैसे थोड़ी थोड़ी पतली होती है ऐसा लग रहा है। वाह डियर है तू, डियर है तू, डियर। एंड यस वी आर एट खरदुंगला, वी आर एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड हाइएस्ट पीक। बहुत ही भीड़ है, बाइक रखे तो फोटोज नहीं खींचा जाएंगे, बट एक नॉर्मल से एक फोटोज खींच लेंगे हम लोग। सी खाली भीड़ देखो भाई, चल फटाफट फोटो खींच लिए। जल्दी फटाफट मोबाइल कार्ड, हाँ मैं थोड़ी उठा आगे चले ले ले खाली जल्दी सुन, थोड़ा चक्कर दे माथो पर से कुछ सुन सुन जल्दी सुन माथी है। हाँ नहीं ला खोलना, खोल खोल खोला, चल जल्दी चल। सो यस गाइस, कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ था ये, बट आई एम एट खरदुंगला द वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। एंड मैं बोलता हूँ मैं जब क्या क्या बोला था, क्योंकि मुझे याद है मैं क्या क्या बोला था। आई वॉज टेलिंग दैट दिस इज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एंड आई हैव डन इट विद द 80% ऑक्सीजन, मेरे लिए अचीवमेंट है। एंड आई वॉज शाउटिंग एट दैट पीक दैट एवरी गर्ल कैन राइड टू, ये मेरा एक वो था कि मैं ये चीज़ जाके ऊपर बोलूँगा। सो मैंने बोल के दिखाई ये चीज़, अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग। रास्ते बेस्ट थे, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर रिकॉर्ड हुआ होता तो इट वॉज अमेजिंग, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। कुछ लव्स ये रास्तों के लिए, ये रास्ते से मैं होकर आया, अपनी किस्मत मैं खुद लिख कर आया, नसीब अपने अपने कहते थे लोग, मेरा नसीब मैं खुद लिख कर आया। थैंक यू सो मच गाइस, डू वॉच द व्लॉग।
खारदुंग विलेज से हम लोग पास ही है। रास्ता नॉर्थ पुल से खारदुंग विलेज तक का बहुत ही ख़राब था। मैं बीच में शूट कर रहा था और बैटरी ख़त्म हो गई क्योंकि ठंडी उतनी थी, बैटरी ड्रेन हो गई, दैट्स व्हाई। सो अभी इधर चाय नाश्ता करने बैठे हम लोग, चाय नाश्ता तो नहीं खाने ही बैठे क्योंकि चाय नाश्ता तो उधर कर ही लिया था हम लोग ने साउथ कुल्लू में। सो इधर हम लोग ने मंगाया है कश्मीरी कावा, कावा हाँ, तो पता नहीं वो क्या होता है, टेस्ट करते हैं कश्मीर का है। सो देखते रहो व्लॉग आगे। कावा 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 फॉर फर्स्ट टाइम, देखते हैं कैसा टेस्ट है। स्वीट है, इलायची वाला जो टेस्ट होता है स्वीट है, अच्छा है, मस्त। और चलता है कश्मीर है तो कश्मीर की चीज़ें ही खानी पड़ेगी ना। खारदुंग विलेज एट 14,370 feet, कब तक हम लोग यही हाइट पे चल रहे हैं। एंड नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वारशी, वारशी हम लोग रुकेंगे, फोटोज खिंचाएंगे एंड देन बैक हम लोग आएंगे पनामिक। दुबरा वैली एंड अभी हम लोग हैं सुमोन, इधर से है 16 किलोमीटर, हम लोग जा रहे हैं वारशी। वारशी इज द लास्ट रोड, उसके बाद आता है सियाचिन बेस कैंप। दिस इज द रोड, दिस इज द व्यू। सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि मैं ये ब्लॉग ऐसे शूट क्यों कर रहा हूँ। मैं बड़ौदा के कर रहा हूँ शूट, एक महीना हमको हो गया है, 21st of July है, मैं 21st June को आ गया हूँ बड़ौदा वापस। सो रीज़न ये था ब्लॉग शूट करने का इधर आके कि मुझे अभी पता चला जब मैं एडिट कर रहा था कि मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया। रीज़न ये था कि उधर देखो कि टाइम नहीं रहता है ये सब देखने का, मतलब एक टाइम के बाद तुम इतना कंटिन्यूस नहीं देख सकते, और मेरे लिए पहली ट्रिप थी। सो आई नो माई बैड, बट मैं नहीं देख पाया, एक बार मुझे देखना चाहिए था कि मैंने प्रॉपरली किया है कि नहीं। सो फर्स्टली क्या हुआ, खारदुंग से हम लोग निकले वारशी जाने के लिए और हमारा प्लान था पनामिक रुकने का। पनामिक में हम लोग रुक नहीं पाए, रीजन कि हम लोग वारशी से 2 किलोमीटर पहले थे, सैंडस्टॉर्म में फंस गए और उधर से हमको रुकना नहीं था क्योंकि वो बहुत ही गंदा वाला था एकदम। आपको वीडियोस में भी पीछे वाले जो वीडियोस में दिखेगा कि काले काले बादल आ गए एंड उसके बाद बहुत खराब सैंडस्टॉर्म आया कि मेरा मोबाइल की बैटरी, मतलब मेरा जो गोप्रो की बैटरी वो ड्रेन हो गई। वो बहुत ही एक सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे लगा कि क्या करना है अब, कुछ नहीं। तो हम लोग फट से निकले वो रास्ते से और वो कुछ 60 किलोमीटर हम लोग अंदर थे तो 60 किलोमीटर निकले। फिर बाहर आया हम लोग पेट्रोल पंप पेट्रोल भराना था क्योंकि मेरी गाड़ी रिजर्व में आ गई थी और 140 किलोमीटर हिमालय रिजर्व देती है। सो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं करके आते फिर, इधर बाहर ये पेट्रोल तो भरा देंगे। उधर आए पेट्रोल खत्म, कोई पेट्रोल पंप नहीं। हम लोग डिस्किट गए, डिस्किट में दोनों पेट्रोल पंप बंद, हुंडर गए, हुंडर में पेट्रोल पंप बंद, तीन ही पेट्रोल पंप उधर सारे के सारे बंद। हमारे पास पेट्रोल ही नहीं था सो हम लोग ने बोला कि चलो अभी इतना तो ढूंढ लिया पेट्रोल, अभी हम लोग ढूंढते हैं होटल्स। होटल्स कहीं जगह पे नहीं मिल रही, सब फुल है, जो खाली है वो 6,000 दे रहा है, 6,000 हमारे बजट में नहीं था। फिर एक अच्छा सा होम स्टे मिला, मैं उसका एड्रेस आज के नहीं दो एक ब्लॉक के बाद वाले ब्लॉक में उसका एड्रेस और सब आ जाएगा। तो वो अंकल बेस्ट है, खाना एकदम घर का, उनकी फैमिली बेस्ट है, उनके बच्चे बहुत क्यूट थे, तो होलसम मोमेंट था वो मेरे लिए। बट कोई नहीं, अच्छा हुआ कि हम लोग सेफली पहुंच गए, हमको मिल गया, हम लोग कल डिस्किट जा रहे हैं। मैंने डिस्किट वाले ब्लॉग में स्टार्ट ही ऐसे किया है कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा, बट आई थॉट के नहीं कंटिन्यू नहीं करना है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते। इट्स day 9 आई थिंक, हाँ day 9, तो day 9 वैसे ही चलने देते, कोई नहीं, देखते रहो ब्लॉग, अगला ब्लॉग आ रहा है, व्यूज बढ़ते रहने चाहिए, व्लॉग्स अच्छे आएंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बेस्ट व्लॉग बनाऊँ। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, होप यू एंजॉय द व्लॉग, ठीक है, चलो बाय।